हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मानसा। आप सभी का मेरे चैनल में हृदयपूर्वक स्वागत है। यह है मेरा डेली मॉर्निंग रूटीन वर्क। तो आज ये हुआ कि मैं थोड़ी देर से उठी हूं, लगभग 6 बजे मैं उठी हूं, तो मुझे जल्दी जल्दी ये सारे काम जो है अभी पूरे करना है। हमारे लाइन में एक के बाद एक सभी लोग झाड़ू पानी और रंगोली हो रहा है, मुझे देर हुआ है तो अच्छा नहीं लगता है। तो सभी का काम हो जाता है, फिर हम जाके बाहर काम करें। कोई झाड़ू होने के बाद यहाँ पे मैं पानी दे रही हूँ, तो सुबह में ना उतना कचरा नहीं होता है क्योंकि शाम में भी झाड़ू लगाते हैं, तो सारा कचरा जो है जो शाम में ही निकलता है, तो सुबह में उतना कचरा नहीं होता है, फिर भी झाड़ू लगाना चाहिए। तो पानी लगाने के लिए यहाँ पे मैं बोर वाटर का इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे ना जल्दी हो जाता है काम। पानी में काम करते हुए भी मुझे ठंड बिल्कुल भी नहीं लग रहा है क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। ठंड का मौसम तो ख़त्म ही हो चुका है, आजकल तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। इस बार के ठंड के मौसम में ज़्यादा ठंड लगा ही नहीं, सिर्फ दिसंबर और जनवरी के पहले एक दो हफ्तों में थोड़ा ठंड था, बाद में ठंड लगा ही नहीं। और हम मायके गए थे, वहाँ भी ठंड नहीं था। ये कनेर के फूल हैं, तो आप में से किसी के कमेंट के द्वारा मुझे पता चला कि इसे कनेर के फूल कहते हैं और बंगाली में कोरोबी, सही है, कोरोबी का फूल कहते हैं। तो आप इतने अच्छे कमेंट करते हो तो अच्छा लगता है और नए नए शब्द भी सीखने को मिल रहा है मुझे। तो अभी तक खिला नहीं है कनेर के फूल, 7 या 8 बजे तक अच्छी तरह से खिल जाएंगे, तब तक मेरी पूजा करने की टाइम भी हो जाएगी। तो अभी मैं रंगोली डाल रही हूँ। हर रोज़ रंगोली डालते हैं तो समझ में नहीं आता कि फिर रोज़ रोज़ कौन सी रंगोली डाला जाए, फिर भी ऐसे तैसे रंगोली डाल ही देते हैं। तो बाहर का काम हो गया है, फिर अभी अंदर का काम बचा है। यहाँ वहाँ सामान पूरे पड़े थे, सभी को समेट लिया है और झाड़ू भी हो गया है। अभी मैं पोछा लगाने वाली हूँ, तो पोछा लगाने वाले पानी में थोड़ा सा मैं जो नमक मोटा होता है वो नमक थोड़ा सा डाला है और थोड़ा सा लाइज़ोल डाल के अभी पोछा लगा रही हूँ। बच्चे उठने से पहले तो पोछा होना ही चाहिए क्योंकि बच्चे उठते हैं तो इधर उधर घूमते हैं और टीवी लगा के हॉल में ही बैठ जाते हैं, तो झाड़ू पोछा का काम जो है वो ठीक से हो नहीं पाता है, इसीलिए मैं बच्चे उठने से पहले ही जल्दी कर लेती हूँ। बच्चे उठने से पहले मेरा पूजा भी हो गया है और पूजा के बाद मैंने चाय पिया है, मतलब चाय में मैंने मायके से जो अप्पालू लाया है, चाय के साथ अप्पालू खाया है। मेरा ब्रेकफास्ट वही था क्योंकि जब तक अप्पालू है हमारे घर में तब तक ब्रेकफास्ट तो बहुत ही कम बनता है, बच्चे भी चाय के साथ अप्पालू खा लेते हैं, तो कभी कभी खाने का मन करता है तो नाश्ता बना लेती हूँ, इडली या डोसा। तब तक तो हम अप्पालू से ही हमारा काम चल जाता है। मायके से आए हमें 2 दिन हो गए हैं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि मायके में इतने दिन, लगभग 15 दिन तक हम सभी एक साथ थे, तो वहाँ बच्चों के साथ इतना मस्ती था, इतना ज़्यादा हंगामा था कि समय का पता ही नहीं चला। और इतने दिन सभी के साथ रहने के बाद यहाँ पे आके बहुत ही सुनसान लग रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। अब पता नहीं फिर कब जाएंगे हम सभी मिलके मायके। फिलहाल आज हमारे घर में बन रहा है सेमफली का सब्जी। सेमफली का सब्जी हमारे घर में सभी लोग खाते हैं, खासकर मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं अभी सेमफली के साथ मेथी भी डाल रही हूँ इस सब्जी में, तो कैसा बनता है सेमफली और मेथी की सब्जी वो भी साउथ इंडियन स्टाइल में, तो आप देख लीजिए। तेल गरम होने के बाद मैंने थोड़ा सा जीरा और राई डाला है, फिर बाद में हरी मिर्च लिया है। हरी मिर्च मैंने बहुत ज़्यादा ही लिया है
क्योंकि लाल मिर्च का पाउडर मैं थोड़ा ही डालूंगी। फिर हरी मिर्च अच्छे से फ्राई होने के बाद मेथी डाल रही हूँ। मेथी अपने हिसाब से डाल सकते हैं, मैंने ज़्यादा ही डाला है। मेथी अच्छे से फ्राई होने के बाद फिर डायरेक्ट हम सेमफली को डाल लेते हैं। अभी अदरक और लहसुन का पेस्ट नहीं था तो मैं इस सब्ज़ी में थोड़ा ही डालने वाली हूँ, इसीलिए अभी मैं थोड़ा अदरक और लहसुन छील के पीस के इसमें डालूंगी। लहसुन और अदरक का पेस्ट ज़्यादातर डालते नहीं हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा ही डाल लेती हूँ। ये छिलका मैं निकाल ही रही थी कि ये अच्छे से फ्राई हो रहा है। इसे फ्राई होने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। मैं इसे गैस के आंच को सिम में लगाकर ही पकाती हूँ, तभी ये अच्छे से पक भी जाता है। तब तक मैं यहाँ पे पीस रही हूँ लहसुन और अदरक को। मैं पीसने के लिए जिसका इस्तेमाल कर रही हूँ इसे हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे कमेंट के ज़रिए बताइएगा। बहुत सारे ऐसे चीज़ों के नाम हैं जो मुझे पता नहीं है, मैं जानना चाहती हूँ कि उसे हिंदी में क्या कहते हैं। तो जब भी जब भी मेरे वीडियोस में ऐसे आएंगे तो मैं आपसे पूछती रहूँगी और आप लोग मुझे बताइएगा ज़रूर। सब्जी जो है आधे से ज़्यादा पकने के बाद मैंने इसमें हल्दी डाला है और लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, वो भी अच्छे से हम मिलाने के बाद फिर मैंने इसमें एक चम्मच लाल मिर्च डाला है, फिर दो बड़े टमाटर डाला है। टमाटर डालने के तुरंत ही नमक डालती हूँ ताकि टमाटर जो है अच्छे से गल जाता है। सब्जी अच्छी तरह से पकने के बाद इसमें हरी धनिया डाल के फिर गैस ऑफ कर देती हूँ। इस तरह से बना है सेमफली की सब्ज़ी। इसे हम राइस के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ भी बहुत ही अच्छा होता है। तो मैंने राइस पहले ही बना के रखा है, तो अभी मैं अपने बेटे के लिए खाना परोस रही हूँ। मेरे बेटे को ना इस सब्ज़ी में जो दाने होते हैं सिर्फ वही खाता है, इसीलिए मैंने उसी को चुन चुन के डाल रही हूँ। बहुत ही शैतान है खाने के मामले में, बिल्कुल भी ठीक से खाता नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान करता है मुझे। सुबह से देखो कैसा टीवी ही देखने में बैठ गया है वो। अभी टीवी में पता नहीं कुछ एवेंजर्स का फिल्म देख रहा है, तो बहुत सारे जो सीरीज है इस फिल्म के पूरे देखता ही रहता है, हिंदी में, इंग्लिश में, तेलुगू में, पूरे तीन लैंग्वेजेस वो कवर कर देता है। जितने बार भी आता है उतने बार देखते ही बैठता है। तो खाने का नाम नहीं ले रहा था इसीलिए मैंने फिर खिला रही हूँ। पहले इसे खिलाने के बाद फिर हम तीनों खाने के लिए बैठ जाएंगे। मेरी बेटी जो है वो खाने में इतना परेशान नहीं करती है जितना ये मेरा बेटा करता है, वो कुछ भी होती है खा लेती है। तो आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करना तो ना भूलें।